एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका एक न्यू ब्लॉग में स्वागत करते हैं। और आप मेरे माथे पे चुंडी देख के समझ गए होंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं, आज दुर्गा माता की स्तुति है उसमें जा रहे हैं। उन्होंने बच्चों ने अपनी सालगिरह पे ये रखा है। अब बहुत अच्छा लगेगा, आपको हम दिखाएंगे। मैं भी पहली बार ही जा रही हूँ। सुंदरकांड में जाते हैं और भजन कीर्तन में जाते हैं, लेकिन दुर्गा स्तुति में मैं पहली बार जा रही हूँ। आओ आपको दिखाते हैं कैसा है, आइए। रे 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 रे
आपकी पलक में चपक रही है, उसकी दृष्टि है तो इंसान के अंदर शक्ति है, तो ज्वाला रूप बन के अंदर विराजमान है, तभी तो शरीर गर्म है। जिस दिन उसकी कृपा मिल जाएगी तो बाहर आ जाएगी, यही शरीर से ठंडा होगा। जब तक अंदर विराजमान है शक्ति बनकर, तब तक इंसान शक्तिमान कहलाता है। लेकिन अति कृपा कब होती है? अति कृपा भगवान की चमन जली हो जाए, अति कृपा तब होती है जब इंसान महारानी के चरणों में बैठकर उसकी स्तुति करता है। तब समझना कि आज मुझ पर परमात्मा की अति कृपा हुई कि महारानी ने मुझे याद किया है, मेरा कल्याण करना चाहती है। तो निश्चित है, 100% निश्चित है, जिसका वो कल्याण करना चाहती है उसी के हाथ में हमारा ये ग्रंथ आएगा और वही बोल पाएगा। नहीं तो आज ग्रंथ भी हाथ में होता है लेकिन इंसान कहीं और भटक रहा हो, शरीर चाहे यही है लेकिन मन कहीं और है। इसलिए आज महारानी से शक्ति मांगते हुए रघुपति से कहना है, माँ तेरी अति अपार आज कृपा हुई है कि सामने बैठकर तू सुन रही है और अंदर बैठकर भगवती तू ही बोल रही है। माँ अपनी स्तुति तू ही गा सकती है। तिलक स्तोत्र गाते हुए मिलकर सब लोग गए हैं महारानी। माँ रकंडी ऋषि वचन बच्चा Thank you.
Thank you.
मिलकर सब लोग, कोई भी वाणी, कोई भी कंठ ऐसा ना रह जाए जहाँ भगवती के नामों का उच्चारण ना हो। हृदय से सब लोग मिलकर झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, ताली लगाते हुए महारानी को प्रसन्न करते हुए कह दो, जय जय महाबली। Yeah.
ऊपर से लेकर नीचे तक देखो क्या चीज की कमी रह गई। हाँ, एक चीज की तो कमी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें मेरी इच्छा से छिपी है। चांदी की झांझर में मांगो Oh, 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 oh
तन्नु लाओ मेरे को भी बातें हुए कौन सा करे बोले। और अब हम आ गए हैं भोग प्रसादी खाने के लिए, भंडारा खाने के लिए। टेरिस पे इंतजाम था, पिंक और वाइट बहुत सुंदर लग रहा है देखने में कंट्रास्ट। और देखिए अब आपको हम दिखाएंगे कि क्या क्या आइटम है खाने में, क्या क्या था। देखो बीच में चाय और पकोड़े थे, वो हमने खाए नहीं। और देखिए ये मूंग की दाल का हलवा है, और ये आलू गोभी है, और ये है पनीर की सब्जी, शाही पनीर है, और ये दाल मखनी है। और आपको और भी दिखाएंगे, चावल भी हैं। और देखो डॉगी की आवाज़ आ रही होगी गाइस, वो अवॉइड करना, क्या कर सकते हैं है? और ये रायता है, और पापड़ भी थे, और अचार भी था, और सलाद भी था। हमने बहुत टेस्टी टेस्टी, और ये तंदूर में खाना बन रहा था, तंदूर में पराठे बने थे, लच्छा पराठा था, बहुत टेस्टी यमी यमी लग रहा था। चलो इधर को लगे जो दिखाई दे भैया। हाँ बस अब कितनी देर में सीखेगी। बाय बाय। बस इंक पलटोगे कैसे भैया? ऐसे सीख जाएगी हैं? एक तरफ से ही? दोनों तरफ से सिखाएगी, एक तरफ से नहीं सिखाएगी। अच्छा जी, तुम भी आ जाओगे भैया, चैनल है हमारा। कौन सा चैनल है? एस त्यागी ब्लॉगिंग। एस त्यागी? एस त्यागी। बहुत बहुत मुबारक हो। देखो इनकी सालगिरह है, और आज हम आए हैं, इन्होंने दुर्गा माता की स्तुति करी थी, हमें बहुत अच्छा लगा। और देखो सब इनको मुबारकबाद देने आई है। थैंक यू। तुम भी करो, सब करो भी देखो। और भैया भैया रह गए ना, भैया को भी कर दो। भैया बहुत बहुत मुबारक हो आपको, सालगिरह बहुत अच्छा लगा हमें। और आपको इसी तरह से प्यारे प्यारे ब्लॉग मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।